न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। गनाश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें ये दूध डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में डाल दिया है 1/4 कप यानी 1/4 कप दूध। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे ही दूध अच्छे से गर्म होगा तुरंत ही हम गैस को यहाँ पे कम कर देंगे। गैस को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दें, फिर इसमें ये डार्क चॉकलेट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम डार्क चॉकलेट का यूज कर रहे हैं। गनाश बनाने के लिए दूध का और चॉकलेट का जो मेजरमेंट है वो यही रखे, 50 ग्राम चॉकलेट के लिए 1/4 कप दूध का ही यूज करेंगे। चॉकलेट को हम दूध में अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दूध गर्म ही है, गैस भी ऑन है, तो चॉकलेट जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसे लगातार चलाते रहें, तो बिना हाथ रोके इसे लगातार चला लें और आप देख ही सकते हैं थोड़ी देर में आपको ये अच्छे से मेल्ट होती हुई दिखेगी। इस टाइम पे जो चॉकलेट की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, हमें इसे थोड़ा थिक बनाना है। गैस को हम यहाँ पे कम ही रखेंगे पूरा गनाश बनाते वक्त और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा पतला हो रहा है, इसे हल्का सा थिक कर लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इसे लगातार चला लिया है और 2-3 मिनट बाद ही ये थिक हो जाएगी इस तरह से। तो बस गैस को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और गनाश हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे हमारे चॉकलेट गनाश को ठंडा होने के बाद हम इसे केक पर लगा देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारा गनाश कितना अच्छे से तैयार हुआ है। आप अपनी किसी भी रेसिपी पे लगाएं इसे, तो मैंने इसे केक के लिए बनाया था तो मैंने इसे केक पर लगा दिया है। तो इससे आप अपने पसंद की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। चॉकलेट गनाश से रिलेटेड और भी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई है चॉकलेट गनाश पर, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि आप कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस गनाश को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल बेसिक वाला मेरे स्टाइल में गनाश बनाना पसंद आया हो। अगर आपको आज की ये गनाश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। Thank you.